उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो वही उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने A1 टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमने जनता से जुड़े मुद्दे, उनकी परेशानियों को न सिर्फ सुना बल्कि हमारी टीम ने सभी बूथ पर महीनों गुजार कर ये मैनिफेस्टो तैयार किया है। इसी को लेकर संवाददाता ज्योति सिंह ने बातचीत की उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव जी। सर, बहुत ही कम समय बचा है अब विधानसभा चुनाव होने में, आपको देख रहे हैं हम लगातार जमीनी स्तर पर आप उतर के मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली के बाद आप उत्तराखंड आए, उसके बाद आपने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्या लगता है आपको उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है इस बार? आपने बिल्कुल सही कहा, जहां तक मेहनत की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार 5 साल काम किया, ऐसा नहीं कि देवेंद्र यादव आए हैं तो उसके बाद मेहनत शुरू हुई है, लेकिन मुझे खुशी है कि लगातार कांग्रेस पार्टी अपना जमीनी काम, चाहे विधानसभा के बाहर या विधानसभा के अंदर, लगातार जो आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, जो लोगों के इश्यूज उठाने की ज़रूरत थी, वो कांग्रेस लगातार उठा रही थी। निश्चित ही जब मेहनत की होती है तो आज समय आया है कि उसका फल भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का विरोध खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों के व्यूज़ जो सामने आ रहे हैं, वो निश्चित ही हमारी 2022 की जो ये चुनाव की प्रक्रिया है जो लास्ट दौर में आ भी चुकी है, तो उसमें हम पूरे आश्वस्त आज अपने आप को महसूस करते हैं। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सिवाय आश्वासन देने के, वादे करने के, लोगों को बरगलाने के, और कोई उसका अचीवमेंट नहीं रही। और जहां तक कांग्रेस की बात है, चाहे कोविड का काल हो, चाहे लोगों के बारे में जब भी कोई परेशानी आई उसके साथ खड़े होने की बात हो, या गांव-गांव तक जाकर लोगों की समस्या सुनने की बात हो, वहां पर रात्रि प्रवास करने की बात हो, या अन्य कोई भी कार्यक्रम, चाहे विधानसभा में जैसे मैंने कहा कि हमने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब महंगाई के विरोध नहीं, हम कोई महंगाई के विरोध, जो बेरोजगारी है उसके विरुद्ध लगातार हमने संघर्ष किया, किसानों के साथ खड़े होने का काम हमने किया, कोविड में लोगों की परेशानियों को देखते हुए अपना हाथ कांग्रेस हमेशा बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में काम करने का काम किया, तो निश्चित ही काफी आश्वस्त हैं। और जिस तरीके की हमारी मैनेजमेंट इस दौरान रही है, चाहे बूथ की मैनेजमेंट हो, बूथ बूथ पर जाकर लोगों को मोटिवेट करना, उनको ट्रेन करना, वो सारे कार्यक्रम हमने इस दौरान किए हैं, तो काफी आश्वस्त के साथ साथ पूरा विश्वास है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो हमसे उपेक्षाएं हैं, उसमें हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, आपने कहा कि छोटे छोटे बूथ जो आपने बनाए थे, हम भी लगातार आपके टच में रहे, आपसे पहले भी बात हुई, तो जब इलेक्शन की तारीख भी ऐलान नहीं हुई थी और आपने कई महीनों पहले से एक छोटी छोटी कमेटियां बनाई थी जो पहाड़ी इलाकों में काम कर रही थी, रात भर रुकती थी, लोगों से पूछती थी कि क्या 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 उनके मुद्दे हैं, तो आपने वो मुद्दे इकट्ठे करके ये चार काम चार धाम जो आपने किया उत्तराखंडी स्वाभिमान, इसको लेकर आपने किया, तो अब आपको लगता है कि भले ही कम टाइम है लेकिन आपने जमीनी मुद्दों को लेकर आए हैं सामने। निश्चित, जैसे मैंने कहा ना कि हम कांग्रेस का परिवार जो था, जहाँ लोगों की परेशानियों में हमेशा साथ खड़ा रहा, वहीं हमने उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया। कई बार कहीं ना कहीं हमें गलती महसूस होती है कि कुछ ना कुछ कमी रही थी पिछली बार, जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ा, और उससे सीख लेते हुए हमने कोशिश की कि लोगों के घरों में जाकर, यहाँ तक कि हमारे जो लगभग 650 कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, जिसमें चाहे मैं स्वयं रहूं या हमारे सेक्रेटरीज हों, या माननीय हरीश रावत जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, गोदयाल जी हों, लगातार कई सेशंस में हमने दो दो रात लोगों के घरों में गुजार कर, ताकि एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वहां पे हम ले सकें। और उसके अलावा लगातार हमने जैसे ही मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, उसमें भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशंस, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स के थे, चाहे वो डॉक्टर्स के थे, चाहे वो टीचर्स के थे, या एक्स सर्विसमैन की समस्याओं के बारे में थे, उन लोगों तक हमने पहुंचने का काम किया। हमारे बहुत से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथी थे, जिसमें सहयोग मिला हमें यूथ कांग्रेस का, जिसमें सहयोग मिला हमें प्रोफेशनल कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। मुझे खुशी है कि एक यूनिट की तरीके से हमारी पूरी कांग्रेस ने मिलकर लोगों तक पहुंचने का काम किया, उनको उनके दर्द जानने की कोशिश की, और उस सब के ऊपर मंथन कर कर हमने एक बहुत बेहतरीन जहां मैनिफेस्टो को तैयार किया, वहीं मुख्य चार कामों को ध्यान में रखते हुए कि जिसकी सख्त जरूरत है, चार जो हमारे चार धाम है उसके साथ चार काम का जो हमने एक नारा दिया, जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें महिलाओं की पीड़ा को देखते हुए हमने जो सिलेंडर का दाम है उसमें हमने सब्सिडी देने की बात की है, और ये सुनिश्चित करेंगे कि 500 से ऊपर हमारा सिलेंडर, क्योंकि रसोई के खर्चे से सारा जो है बजट बिगड़ जाता है, लिहाजा हमने ये कोशिश की है कि महिला का स्वाभिमान बचा रहे और उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए भी हमने 500 तक उसको सीमित रखने का काम किया है। इसके साथ साथ लगभग 5 लाख लोगों को, जो मैं समझता हूँ कि एक तबका इस दौरान ऐसा डेवलप हुआ है, हम माननीय राहुल गांधी जी हमेशा न्याय की बात करते रहे हैं जिसमें कैश ट्रांसफर की बात होती है, तो हमने एक यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे समय में कि हम लगभग 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया कैश ट्रांसफर करें। इस कैश ट्रांसफर से जहां हमारी इकोनॉमी इस उत्तराखंड की रिवाइव होगी, क्योंकि सर्कुलेशन में पैसा आएगा, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम जो उत्तराखंड का स्वाभिमान है उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी जो स्वाभिमान के साथ हमारा एक परिवार जी सके, चाहे आज कोरोना की मार की वजह से, आज चाहे GST की मार की वजह से, आज जो गलत नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही उसकी वजह से जो परेशानियां लोगों को हुई है और अपने रोजगार खोए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की हमने इसमें कोशिश की है। वहीं जहां एक युवा वर्ग जो हमारा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, जो बड़ी आशा के साथ पढ़ता है, लिखता है और उम्मीद करता है कि कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उसको भी कैटर करने का हमने इस दौरान काम किया है, और हमने वादा किया है कि 5 साल में लगभग 4 लाख युवाओं को, युवतियों को, उनके काम के अनुसार उनको रोजगार देने का काम करेंगे। माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे हैं और कांग्रेस की हमेशा ये सोच भी रही है कि रियलिस्टिक हम गोल रखते हैं और जिसके जिसको हम पूरा कर सकें उन्हीं टारगेट्स को लेकर हम आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज, खास तौर पे इस कोरोना के समय जो उजागर हुई है, इस सरकार की टोटल फेलियर जो साबित सामने आई है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पे मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत कमी है, और वहाँ पर क्योंकि ट्रेन्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी रेगुलर एम्बुलेंसेज नहीं पहुँच सकती, तो हमने वादा किया है कि हम कुछ बाइक वाली जो एम्बुलेंसेज हैं वो डेवलप करेंगे, और हर घर के कोने उस हर एक व्यक्ति जो उसकी जिसको उसकी दरकार है वहां तक पहुंचने की उसके द्वारा हम कोशिश करेंगे। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर दवाई वगैरह की जरूरत पड़े, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत रिसर्च के बाद ये भी सोचा है कि ड्रोन के द्वारा जहां हम मेडिकल सप्लाईज उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि पहाड़ी में, मैं खास तौर पे बात करूं रानीखेत के गांव में हम पहुंचे तो मुझे एक परिवार मिला, परिवार में एक बुजुर्ग महिला थी, एक एक्स सर्विसमैन थे, हम उनको सम्मानित करने, क्योंकि इस दौरान हमने कार्यक्रम तय किया था कि हम लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे हों या एक्स सर्विसमैन रहे, उसी दौरान हमें महसूस हुआ कि लोग इतनी परेशानी में जी रहे हैं जिसकी वजह से उनको पलायन करना पड़ता है। ये जब हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पलायन को रोकने का काम कर रहे हैं। हमारा युवा जो जिसकी एक कहावत है कि पहाड़ की जवानी काम नहीं आती, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहीं किसी ना किसी तरीके से उनको खुद अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करें, ईज ऑफ वर्क दें। तो मैं जो बात चर्चा कर रहा था कि
कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ हम उनके परिवार को स्वागत करने गए, उनका सम्मान करने गए, तो उसका सिर्फ एकमात्र कहना था कि ये करण भाई ने छोटी सी कच्ची रोड कट गई है, तो अब हम मैं अपनी माँ को बीमारी के चलते अपनी बाइक पे बिठाकर कम से कम दिखाने लायक रह गया, नहीं तो हमने सोचा था कि यहाँ से पलायन करेंगे। कहीं ना कहीं वो आइडिया दिमाग में आया और हमने सोचा कि भाई बाइक एम्बुलेंसेज, जहाँ रेगुलर एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच सकती, वहां तक हम पहुंचाने का काम करें। इसी तरीके से जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे उनके ध्यान में रखते हुए उन्हीं के द्वारा वहीं से कहीं ना कहीं हमने ये सारे पॉइंट्स निकाल कर एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो जो रियलिस्टिक है, जिसके पीछे रिसर्च लगी है, जिसमें एक्सपर्ट्स के हमने पूरी चर्चा करने के पश्चात जो एक्सपर्ट्स ने उनके हमें जो सुझाव दिए उनको इसमें संकलित करके हमने लोगों को देने का काम किया है। निश्चित ही चार धाम चार काम उत्तराखंड के स्वाभिमान को इंटैक्ट रखने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने काफी सारे मुद्दे जो हैं वो बताए कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और काफी सोच विचार के बाद ये मुद्दे आप लेकर आए, लेकिन वहीं दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपने पिटारे में तमाम वादे कर दिए हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए वो बजट कहाँ से लाएंगे? जैसे मैंने कहा कि देखिए हमने हमेशा बिल्कुल रियलिस्टिक बजट रखने की कोशिश की है। 56,000 करोड़ रुपए का, 57,000 करोड़ रुपए का बजट है, और जब हम बात कर रहे हैं कि हम 5 लाख परिवारों को देंगे तो अर्थात 2,000 करोड़ रुपए का वो आएगा। सीधा सीधा तौर पर 3 से 3.5% जो बजट है वो उसमें व्यय होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो हम समझते हैं, जो इकोनॉमी कहती है कि जब हमारी इकोनॉमी में पैसा पंप होगा तो वो सर्कुलेट भी होगा, सर्कुलेट होगा तो कहीं ना कहीं टैक्स भी लगेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा, लोगों के काम बढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें हमने बाकायदा जहां फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से बात की है, वहीं टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया से हमने सलाह की है, बात की है, जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाने की कोशिश की है। हम पहले भी हमने करके दिखाया है, जो हमने बातें की हैं, जो वादे किए हैं, हम आज भी उसी पर खड़े हैं कि जो हम वादा कर रहे हैं वो आज सिर्फ वादे नहीं, एक प्रतिज्ञा है हमारे लिए, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी। देवेंद्र जी, एक मुद्दा है जो बीजेपी उठा रही है वो है सेना, क्योंकि सब अगर हम 12% की बात करें तो उससे ज्यादा वोटर्स सेना के घर से आते हैं और सेना कहते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही सेना के जवानों का इंसल्ट करती हुई आई है और हर बार उनका मुद्दा लेकर तभी आती है जब चुनाव आते हैं। एक तरफ तो विपिन रावत को वो पहले कहते थे बड़े अपशब्द कांग्रेस ने कहे, और उनके कट ऑफ जो है वो लेकर कटआउट जो है वो अपनी रैली में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि उत्तराखंड जो खासतौर पे सर्विसेज में जहाँ के जिस प्रदेश से ज्यादातर लोग, मैं समझता हूँ कि इस देश के ऊपर निछावर होने का काम कर रहे हैं, देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं और अपनी शहादत तक देने में पीछे नहीं रहते, एंड उन परिवारों को सिर्फ कहने के लिए, उनको सुविधाएं देने के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक खेल खेलती रही है। बहुत बड़ी डिमांड ओआरओपी की, वन रैंक वन पेंशन की बात लगातार ये उठती रही है, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के समय में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, और आज वही वन रैंक वन पेंशन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो वन रैंक और कई पेंशन्स हो गई हैं। आज हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको एक फैसिलिटी थी कि वो कैंटीन में जाकर सामान खरीद लेते थे, सस्ते दामों में मिलता था, टैक्स कम लगता था, आज वो सुविधाएं उनसे छीन ली गई हैं। आज कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो सही मायने में कहीं ना कहीं आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। हमने हमेशा अपने आप को जो जिस मान का हकदार रहा है, चाहे वो हमारे एक्स सर्विसमैन रहे हो या एक गरीब परिवार रहा हो,
उनको हमने हमेशा उनका हक देने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा बिलीव करती है कि सबको साथ लेके चल सके। कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करती है कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उसको कैसे सम्मानित करके उसको लाइन में आगे लाया जा सके, और हमारा ये प्रयास हमेशा चलता रहेगा। ये सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, हमने काम करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, जनता से कोई अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तराखंड जो हमेशा से एक सिरमौर हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं 5 सालों में बहुत लगातार पिछड़ा है। चाहे वो मैंने कहा बेरोजगारी की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ की बात करें, या यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के दौरान एक धर्मपरायण एक प्रदेश, उसमें भी जो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल का कुंभ मेला होता है, इस भारतीय जनता पार्टी ने उस कुंभ मेले में भी भ्रष्टाचार कर एक जो टेस्टिंग का घोटाला हुआ वो सबके सामने उजागर हुआ है। ये वही सरकार है जिसने 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम तो किया, लेकिन क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक ऐसा काम जो हम सबका स्वाभिमान हो सकता था वो काम नहीं किया है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा, हमने पहले भी करके दिखाया, चाहे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय हो, जिस समय सिडकुल का हमने वो काम किया। आज इकॉनमी कहीं ना कहीं उससे ड्रिवन होती है, आज हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। हमने चाहे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का समय हो या माननीय हरीश रावत जी का समय हो, हमने लोगों के दुखों में उनके अनुरूप नीति निर्धारण करने का काम किया है, और कहीं ना कहीं हम अपने पुराने एक्सपीरियंस, हम अपने पुराने किए हुए वादों को किस तरीके से कांग्रेस पूरा करती है, अपने पुराने जो हमारा लोगों को, हमने लोगों के दुखों में हमने खड़ा होने का काम किया, सरकार ने वो काम किए हैं जिससे उत्तराखंड सिरमौर हुआ, आज उसी की वजह से हम दोबारा, लोगों का विश्वास हम पर जम रहा है, लोग हमारी तरफ आशा और विश्वास के साथ देख रहे हैं। हम अपील करना चाहेंगे कि कांग्रेस को 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, ताकि उत्तराखंड का स्वाभिमान इंटैक्ट रह सके, उत्तराखंड को दोबारा से इस देश में सिरमौर के रूप में देखा जा सके। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए जुड़े हुए थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी देहरादून।